अपनी किताब शूद्र कौन थे महात्मा फूले को समर्पित करते हुए बाबा साहब ने लिखा है कि जिन्होंने हिंदू समाज की छोटी जातियों को उच्च वर्णों के प्रति उनकी गुलामी की भावना के संबंध में जागृत किया और जिन्होंने सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना को विदेशी शासन से मुक्ति पाने से भी अधिक महत्वपूर्ण बताया, उस आधुनिक भारत के महान शूद्र महात्मा फूले की स्मृति में सादर समर्पित। आधुनिक भारत में शूद्रों, अतिशूद्रों, महिलाओं और किसानों के मुक्ति संघर्ष के पहले नायक ज्योतिराव फूले हैं, जिन्हें ज्योतिबा फूले नाम से भी जाना जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने गौतम बुद्ध और कबीर के साथ ज्योतिबा फूले को अपना तीसरा गुरु माना है। फूले ने जाति भेद विवेकानुसार 1865 में लिखा कि धर्म ग्रंथों में वर्णित विकृत जाति भेद ने हिंदुओं के दिमाग को सदियों से गुलाम बना रखा है। उन्हें इस पास से मुक्त करने के अलावा कोई दूसरा महत्वपूर्ण काम नहीं हो सकता। बाबा साहब अपनी चर्चित तृतीय जाति व्यवस्था का विनाश यानी एनिलेशन ऑफ कास्ट में ठीक इसी सिद्धांत को आगे बढ़ाते हुए जाति व्यवस्था के स्रोत धर्म ग्रंथों को नष्ट करने का आह्वान करते हैं। ज्योतिराव फूले का जन्म 11 अप्रैल 1827 को शूद्र वर्ण की माली जाति में महाराष्ट्र में हुआ था। उनके नाम में फूले शब्द माली जाति के होने की वजह से आया। उनके पिता का नाम गोविंदराव और माता का नाम चिमड़ाबाई था। फूले जब 1 वर्ष के थे तभी उनकी मां चिमड़ाबाई का निधन हो गया। उनका पालन पोषण उनके पिता की मुंह बोली बुआ सगड़ाबाई ने किया। सगड़ाबाई ने उन्हें आधुनिक चेतना से लैस किया। 1818 में भीमा कोरेगांव युद्ध के बाद पेशवा का शासन भले ही अंग्रेजों ने खत्म कर दिया पर सामाजिक जीवन पर उनकी जातिवादी विचारधारा का नियंत्रण कायम था। पूरे में शूद्रों, अतिशूद्रों और महिलाओं के लिए शिक्षा के दरवाजे बंद थे। सबसे पहले ईसाई मिशनरियों ने शूद्रों, अतिशूद्रों और महिलाओं के लिए शिक्षा के दरवाजे खोले। 7 वर्ष की उम्र में ज्योतिराव को पढ़ने के लिए स्कूल भेजा गया, लेकिन जल्द ही सामाजिक दबाव में ज्योतिराव के पिता गोविंद राव ने उन्हें स्कूल से बाहर निकाल लिया। वे अपने पिता के साथ खेतों में काम करने लगे। उनकी जिज्ञासा और प्रतिभा में उर्दू फारसी के जानकार गफ्फार बेग और ईसाई धर्म प्रचारक लिजीट साहब बहुत प्रभावित थे। उन्होंने गोविंद राव को सलाह दी कि वे ज्योतिराव को पढ़ने के लिए भेजें और फिर से ज्योतिराव स्कूल जाने लगे। इसी बीच 13 वर्ष की उम्र में ही यानी 1840 में ज्योतिराव का विवाह 9 वर्षीय सावित्रीबाई फूले से कर दिया गया। 1847 में ज्योतिराव स्कॉटिश मिशन के अंग्रेजी स्कूल में पढ़ने लगे। यहीं पर होनहार विद्यार्थी ज्योतिराव का परिचय आधुनिक ज्ञान विज्ञान से हुआ। स्कॉटिश मिशन स्कूल में दाखिले के बाद ज्योतिराव फूले के रग रग में समता और स्वतंत्रता का विचार बसने लगा। उनके सामने एक नई दुनिया खुल गई। तर्क उनका सबसे बड़ा हथियार बन गया। हर चीज को वे तर्क और न्याय की कसौटी पर कसने लगे। अपने आसपास के समाज को एक नए नजरिए से देखने लगे। इसी दौरान उन्हें व्यक्तिगत जीवन में जातिगत अपमान का सामना करना पड़ा। इस घटना ने भी वर्ण जाति व्यवस्था और वर्णवाद के संदर्भ में उनकी आंखें खोलने में मदद की। 1847 में मिशन स्कूल की पढ़ाई उन्होंने पूरी कर ली। ज्योतिबा फूले को इस बात का एहसास अच्छी तरह से हो गया था कि शिक्षा ही वह हथियार है जिससे शूद्रों, अतिशूद्रों और महिलाओं की मुक्ति हो सकती। उन्होंने अपनी एक कविता में लिखा, विद्या बिना मति गई, मति बिना नीति गई, नीति बिना गति गई। सबसे पहले शिक्षा की ज्योति उन्होंने अपने घर में जलाई। अपनी पत्नी जीवन साथी सावित्रीबाई फूले को शिक्षित किया, उन्हें ज्ञान विज्ञान से लैस किया। उनके भीतर ये भाव और विचार भरा कि स्त्री पुरुष दोनों बराबर हैं, दुनिया का हर इंसान स्वतंत्रता और समता का अधिकारी। सावित्रीबाई फूले, सगड़ाबाई, फातिमा शेख और अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर ज्योतिबा ने हजारों वर्षों से उच्च वर्णों द्वारा शिक्षा से वंचित किए गए समुदायों को शिक्षित करने और उन्हें अपने मानवीय अधिकारों के प्रति सजग करने का बीड़ा उठाया। अपने इन विचारों को व्यवहार में उतारते हुए फूले दंपति ने 1848 में लड़कियों के लिए पहला स्कूल खोला। यह स्कूल महाराष्ट्र में ही नहीं पूरे भारत में किसी भारतीय द्वारा लड़कियों के लिए विशेष तौर पर खोला गया पहला स्कूल था।
ये स्कूल खोलकर ज्योतिराव फूले और सावित्रीबाई फूले ने खुलेआम धर्म ग्रंथों को चुनौती दी। फूले द्वारा शूद्रों अतिशूद्रों और महिलाओं को शिक्षित करने का उद्देश्य अन्याय और उत्पीड़न पर आधारित सामाजिक व्यवस्था को उलट देना था। जब 1873 में अपनी किताब गुलामगिरी की प्रस्तावना में उन्होंने इस किताब को लिखने का उद्देश्य इन शब्दों में प्रकट किया, सैकड़ों वर्षों से शूद्रादि अतिशूद्र उच्च वर्णों के राज में दुख भोगते आए, इन अन्यायी लोगों से उनकी मुक्ति कैसे हो, ये बताना ही इस ग्रंथ का उद्देश्य है। फूले जितने बड़े समर्थक शूद्रों अतिशूद्रों की मुक्ति के थे, उतने ही बड़े समर्थक स्त्री मुक्ति के भी थे। उन्होंने महिलाओं के बारे में लिखा कि स्त्री शिक्षा के द्वार पुरुषों ने इसलिए बंद कर रखे थे ताकि वे मानवीय अधिकारों को समझ ना पाए। स्त्री पुरुष की कोई ऐसी लड़ाई नहीं है जिसे ज्योतिबा फूले ने अपने समय में ना लड़ी। ज्योतिबा फूले ने सावित्री बाई के साथ मिलकर अपने परिवार को स्त्री पुरुष समानता का मूर्त रूप बना दिया और समाज तथा राष्ट्र में समानता कायम करने के लिए संघर्ष में उतर पड़े। फूले ने समाज सेवा और सामाजिक संघर्ष का रास्ता एक साथ चुना। सबसे पहले उन्होंने हजारों वर्षों से वंचित लोगों के लिए शिक्षा का द्वार खोला, विधवाओं के लिए आश्रम बनवाया, विधवा पुनर्विवाह के लिए संघर्ष किया और अछूतों के लिए अपना पानी हौज खोला। इस सबके बावजूद वह ये बात अच्छी तरह समझ गए थे कि वर्णवाद का समूल नाश किए बिना अन्याय असमानता और गुलामी का अंत होने वाला नहीं। इसके लिए उन्होंने 24 सितंबर 1873 को सत्यशोधक समाज की स्थापना की। सत्यशोधक समाज का उद्देश्य पौराणिक मान्यताओं का विरोध करना, शूद्रों अतिशूद्रों को जातवादियों की मक्कारी के जाल से मुक्त कराना और पुराणों द्वारा पोषित जन्मजात गुलामी से छुटकारा दिलाना था। इसके माध्यम से फूले ने वर्णवाद के विरुद्ध एक सांस्कृतिक क्रांति की शुरुआत की थी। 1890 में ज्योतिराव फूले के देहांत के बाद सत्यशोधक समाज की अगुवाई की जिम्मेदारी सावित्रीबाई फूले ने उठाई। शूद्रों अतिशूद्रों और महिलाओं के अलावा जिस समुदाय के लिए ज्योतिराव फूले ने सबसे ज्यादा संघर्ष किया वह समुदाय किसानों का था। किसानों का कोड़ा 1883 ग्रंथ में उन्होंने किसानों की दयनीय अवस्था को दुनिया के सामने उजागर किया। उनका कहना था कि किसानों को धर्म के नाम पर भट्ट उच्च वर्णों का वर्ग, शासन व्यवस्था के नाम पर विभिन्न पदों पर बैठे अधिकारियों का वर्ग और सेठ साहूकारों का वर्ग लूटता घसोटता रहा है। असहाय सा किसान सब कुछ बर्दाश्त करता है। इस ग्रंथ को लिखने का उद्देश्य बताते हुए वे लिखते हैं कि फिलहाल शूद्र किसान धर्म और राज्य संबंधी कई कारणों से अत्यंत विपन्न हालत में पहुंच गया है। उसकी इस हालत के कुछ कारणों की विवेचना करने के लिए इस ग्रंथ की रचना की गई। ज्योतिराव फूले चिंतक, लेखक और अन्याय के खिलाफ निरंतर संघर्षरत योद्धा थे। वे दलित बहुजनों, महिलाओं और गरीब लोगों के पुनर्जागरण के लिए अगुवा थे। उन्होंने शोषण, उत्पीड़न और अन्याय पर आधारित वर्णवादी व्यवस्था की सच्चाई को सामने लाने और उसे चुनौती देने के लिए अनेक ग्रंथों की रचना की, जिसमें कुछ प्रमुख ग्रंथ निम्नवत हैं: तृतीय रत्न नाटक 1885, छत्रपति राजा शिवाजी का पांवड़ा 1869, उच्च वर्णों की चालाकी 1869, गुलामगिरी 1873, किसान का कोड़ा 1873, सत्सार अंग 1885, इशारा 1885, अछूतों की कैफियत 1885, सार्वजनिक सत्य धर्म पुस्तक 1889, सत्यशोधक समाज के लिए उपयुक्त मंगल गाथाएं तथा पूजा विधि 1887, अखंड आदि काव्य रचनाएं आदि। भले ही 1890 में ज्योतिबा फूले हमें छोड़कर चले गए, लेकिन ज्योतिबा फूले ने सावित्री बाई फूले के साथ मिलकर शूद्रों अतिशूद्रों और महिलाओं के शोषण के खिलाफ जागरण की जो मसाल जगाई, आगे चलकर उनके बाद उस मसाल को सावित्री बाई फूले ने जलाए रखा। सावित्री बाई फूले के बाद इस मसाल को साहूजी महाराज ने अपने हाथों में ले लिया। बाद में उन्होंने ये मसाल बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के हाथों में थमा दिया। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मसाल को सामाजिक परिवर्तन की ज्वाला में बदल दिया।